مرتسى، حياك مرتسى. दिन हो गए तुम्हारे दीदार को, कब आओगे? जितना भागना है भाग लो मुझसे, एक दिन तुम्हारी डोर मेरे हाथों में दे दी जाएगी, जिससे मैं खुशी खुशी अपने गले का हार बना लूंगी। इस जगह, इस कमरे और इस दिल पे सिर्फ मेरा राज होगा, हया का राज, हया का मुर्तसम। उस्मान साहब, मैंने आपका एक केस अच्छी तरह स्टडी कर लिया है, मगर आई एम सॉरी, मैं ये केस नहीं लड़ सकता। वकास साहब, आप ये कैसे कह सकते हैं? आपका शुमार तो इस शहर के मशहूर वकीलों में होता है। प्लीज आप मतलब ऐसा ना करें सर। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन मशहूर वकीलों में होने के साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं। मैं आज तक कोई केस हारा नहीं, और आपके इस केस में जीतने के चांसेस बहुत कम है। आई एम सॉरी वकास साहब, मैं आपके पास बड़ी उम्मीद से आया हूँ। आपको पता है कि मेरे भाई साहब वो बेगुनाह हैं। मैं आपको मुंह मांगी फीस देने को तैयार हूँ। आई विल पे यू। देखिए उस्मान साहब, मैं आपको बता चुका हूँ ना, आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ आपके भाई बेगुनाह हैं, लेकिन सारे सबूत उनके खिलाफ है और जीतने के चांसेस बहुत कम है। प्लीज वकास साहब। बाबा, आप हारने के डर से जीतने की कोशिश भी नहीं करेंगे और इनके बेगुनाह भाई सारी जिंदगी जेल में काट देंगे, इसलिए क्योंकि इनका केस वीक है। और आप कभी हारे नहीं, आपका कहीं रिकॉर्ड ना खराब हो जाए, आप इनका केस नहीं लड़ेंगे। बेटा, तुम खुद फाइल देख लो, इन सबूतों की बुनियाद पे उन्हें बेगुनाह कैसे साबित करेंगे? मेरे भाई साहब बेकसूर हैं। लेकिन अदालत में हम कैसे उन्हें बेगुनाह साबित करेंगे? बाबा, कोई तो रास्ता होगा। बेटा, तुम क्या चाहती हो कि मैं ये केस लड़ूं और हार जाऊं? मैं ऐसा नहीं चाहती। और बाबा, आपने तो सिखाया है, अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदों से कह दीजिए कि हमेशा अपने मुंह से अच्छी बात निकालें। मेरा यकीन करें बाबा, अगर आप अपने दिमाग के साथ साथ दिल से भी इनके बेगुनाह भाई को बाइज्जत बरी कराने का फैसला कर लेंगे ना, तो पाक परवरदिगार आपका साथ देगा और सिर्फ जीत आपका मुकद्दर होगी। प्लीज प्लीज बाबा, प्लीज से यस टू दिस केस बाबा। ठीक है। ठीक है उस्मान साहब, मैं आपके भाई का केस लड़ूंगा और जीत कर भी दिखाऊंगा।